आइए आपकी जोरदार तालियों में ब्लेस्ड बॉयज को दावत दूंगा जो कि बहुत अच्छी वर्शिप करते हैं, बहुत ही अच्छे मेरे दोस्त हैं, भाई हैं और खुदा ने इनको बड़ी बरकत दी है। आइए जोरदार तालियों में बजाइएगा और मैं चाहूंगा कि वो अपनी जबानी तारीफ भी करवाएं और यकीन जब आप सुनेंगे तो आपको बड़ी बरकत मिलेगी। जोरदार तालियों में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे एक भाई मसीही हैं, असलान गिल भाई और शजैन अली भाई और मैं अली सोनू, हम दोनों भाई मुस्लिम हैं। और हमारी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई थी बेकदरी में, भी आप सब में से किसी ने सुना होगा, खुदा दी सारी नेमता। तो वो हमारी वीडियो वायरल हुई थी, उसकी बदौलत हम पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में जाके वर्शिप कर चुके हैं, हालेलुया। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पास्टर अनवर फजल साहब का और पास्टर शौकत फजल साहब का और पूरी टीम का, स्पेशली जैन भाई का, कि जिन्होंने आज हमें यहाँ पे इनवाइट किया। ये हमारे लिए भी ब्लेसिंग है, हालेलुया। किस किस का ईमान है मसीह यीशु जिंदा है? तालियां बजा के बता, हालेलुया, आवाज आनी चाहिए, हालेलुया। जो जो यहाँ पे ब्लेसिंग रिसीव कर रहा है वो तालियां बजाए, दोनों हाथ उठा के, हालेलुया। अब आपकी आवाज आनी चाहिए, हाले हाले, सलामत रहे। जहां से हमारा स्टार्ट हुआ है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। जाने दे के सुनी धड़कता दरवाने खोले आप सब मिलकर गए, आप सबको आता है खुदा की सारी देवता दी याद करके Oh, 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 oh
अभी ये हमारा रिसेंटली गीत रिलीज हुआ है दिता यसु इख्तियार, जिसमें सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब ने एक क्रूसेड किया था, आई थिंक थाईलैंड में किया था, मलेशिया में किया था क्या, थाईलैंड में किया था, उसमें लंगड़ों को चला रहे थे वो। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। उसी हवाले से जो यसु मसीह ने अपने शिगिर्दों को मौजजा दिए थे लंगड़े चलाने के, मुर्दे जगाने थे और रोते हुए को हंसाने के, उसके अबाउट हमारे शायर ने गीत लिखा। आप सब अब आपकी नजर स्पेशली पास लंगड़े चलो मणदा मुर्दे जवाब Thank you.
अल्फाज बड़े मिठे ने कल सब देखिया नाम मुका शिफा किताब विच लिखिया दसदी इंजील अजीज़ यीशु दा आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल मिलकर हालेलुया खुदावन यीशु मसीह के नाम की। मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच जैन भाई, पास्टर शौकत फजल एंड सारी टीम के लिए, और पास्टर अनवर फजल जी आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हम तीनों की तरफ से। सो मैं वो इंसान हूँ जो चर्च में सबसे पीछे बैठता था और आज देखें कहाँ खड़ा है यीशु के नाम। आमीन हालेलुया।
आमीन। थैंक यू सो मच। हम सबकी गवाही है कि हम वर्शिप नहीं थे करते, हम गाने गाते थे, सेकुलर सॉन्ग गाते थे, दुनियावी गाने गाते थे। तो ये वाकई यीशु ने चुना हमें अपने नाम के लिए, ये हमारी गवाही भी है और ये हमारे आमिल यानी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए। कि जैसे कि अली भाई ने आपको बताया, हम दोनों भाई मुस्लिम हैं। अरसलान भाई का बर्थडे था तो हमने इनको स्लीव देनी थी, चांदी की स्लीव का निशान है ना क्रूज का, हमने इनको चांदी की स्लीव देनी थी अपनी हसीयत के मुताबिक। लेकिन इनके बर्थडे पर ये मसीही थे और अपने यानी अपने आप में एक रूहानी भी थे, पर हम गाने गाते थे, कभी शो नहीं किया इन्होंने। इन्होंने कहा मुझे बेकदरी गा के सुना दो। उस दिन अरसलान भाई का नया नया बेकदरी रिलीज हुआ था तो हमने इनको डेडिकेट किया। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 4 दिन बाद वो वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हुई कि आज हम यहाँ पे खड़े हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। आप सब सलामत रहें और एक बार फिर सर बहुत ज्यादा शुक्रिया। मुझे भी सर जी ने कहा अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो बोल दो। कुछ रहा नहीं है बोलने को क्योंकि मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे, आपको एक्चुअली नजर भी आ रहा होगा, हमारे फेस ग्लो कर रहे हैं। तो हम जब से वर्शिप स्टार्ट की है तो हमारे कुछ रियलेटिव्स, हमारी फैमिली मेंबर्स में जो है ना, मेरी मामा और मेरे 4 भाई, बस ये वो ही हैं मेरे साथ फिल वक्त। तो बाकी जो मेरे फ्रेंड थे वो भी स्किप हो गए हैं। आप वर्शिप करते हो लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी। जोरदार तालियां बजाइएगा, बहुत खूबसूरत प्रस्तुत की है। थैंक यू अरसलान, गॉड ब्लेस यू। आप तीनों का खुदावंद आपको बरकत दे। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं।